सबसे पहले तो ये बताइए कि उद्धव ठाकरे ने चुनौती दे दी आपको, तो ये चैलेंज उद्धव ठाकरे का कबूल कर रही हैं क्या? तय किया आपने कश्मीर में कहां जाकर पढ़ेंगी हनुमान चालीसा? मैं आपको एक चीज बताना जरूर चाहूंगी, पहले तो जय हनुमान जय श्री राम। कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल भरे मंच पे औरंगाबाद में जो सभा ली, और सभा में एक मुख्यमंत्री जब बोलते हैं तो महाराष्ट्र की जनता को एक्सपेक्टेशंस मुख्यमंत्री से यही रहती है कि महाराष्ट्र की विकास, महाराष्ट्र के किसान, महाराष्ट्र के बेरोजगार, महाराष्ट्र की प्रोग्रेस, महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मुख्यमंत्री जी कुछ बोलेंगे। पर जब भी मुख्यमंत्री पिछले दो सालों से जब भी वो कोई भी सभा लेते हैं या रैली कंटेस्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ विरोधकों को टॉन्टिंग करने का काम, उन पे कुछ भी सीधे अलग तरीके से भाषा बोलने का काम करते हैं। अगर मैं उनसे एक प्रश्न करती हूँ, आह्वान हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए और राम लल्ला के दर्शन के लिए अगर कोई मुझे आह्वान देता है तो उसे मैं खुले तरीके से उद्धव ठाकरे जी का आह्वान ये स्वीकारती हूँ, इसमें कोई शंका नहीं। कश्मीर ये हमारे भारत देश का एक अंग है और वहाँ जाकर अगर मुझे कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तो मैं ज़रूर जाऊँगी और वहाँ पर भी हनुमान चालीसा का वाचन पाठ में ज़रूर करूँगी। पर उसके पहले मैं उद्धव ठाकरे जी से ये पूछना चाहती हूँ, जिस औरंगाबाद में उन्होंने कल सभा ली वहाँ की समस्याओं पे क्यों बात नहीं की गई? वहाँ पर संभाजी नगर पे क्यों उन्होंने चर्चा नहीं की गई मंच पर? संभाजी नगर और क्यों ओवीसी साहब पे इतने मेहरबान क्यों हैं उद्धव ठाकरे जी? ये प्रश्न है मेरा उनको। आज औरंगाबाद की हर जनता, एक एक महिला, एक एक परिवार पानी के लिए त्रस्त है, उस पे उन्होंने क्यों संभाषण भाषण नहीं किया? उनको सिर्फ उद्धव ठाकरे जी के जितने भी स्पीचेस रैली आज तक हुए हैं, उन्होंने दूध अभिषेक की बात की कि दूध अभिषेक करना है तो कहीं पर भी जाके कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ना है तो कश्मीर में जाके पढ़िए। मैं तो आह्वान उद्धव ठाकरे जी का स्वीकारती हूँ, पर उन्हें भी एक प्रश्न विचारती हूँ कि आप जिसका नारा देते हैं, अगर मैं महाराष्ट्र में अगर हनुमान चालीसा पढ़ नहीं सकती हूँ जिसकी मैं महाराष्ट्र की बेटी रहकर, तो आप कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं? आप कहते हैं कि मंदिर में जाना ज़रूरी नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तो आप कैसे कहते हैं कि आप हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हो? आपने पहले इसका उत्तर देना चाहिए। नवनीत जी, मैं तो कश्मीर में पढ़ूंगी, मैं मेरे महाराष्ट्र में भी पढ़ूंगी। पूर्णिया सिटी जानिए ना, पूर्णिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और ओ
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।